डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट तो आज की ये वीडियो है स्टैंडर्ड के लिए डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर टू सो मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स सो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स मीन्स बहुत सारे किस्मों के एनीमल्स जानवर डिस्टूट तो कैन यू टेल क्या आप बता सकते हो यू विल ईजिली रिकोगनाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर रिकोगनाइज मतलब आप पहचान सकते हो यू विल ईजिली रिकोगनाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर टेल देर नेम्स एंड ऑल्सो दियर स्पेशल फीचर्स आपको इन एनिमल्स के नेम्स बोलना है और उनके स्पेशल फीचर्स बोलना है फर्स्ट एनिमल इज एलिफेंट दिस इज एलिफेंट एंड इट कैरी हैवी बर्डन्स सेकेंड इज पैरट एंड इट कॉपी टू ह्यूमन बींग्स थर्ड इज मैना and इट कैन फ्लाई मैना क्या करती है एक बर्ड है और ये उड़ती है दिस इज स्नैक एंड दिस इज रेपटाइल एंड इट इज क्राउल दिस इज स्वैंप डियर इट हैज लार्ज एंटलर एंटलर्स इट हैज ट्वेल्व एंटलर्स तो इसको हम कहते हैं बारह सिंगा और इसके लार्ज एंटलर्स होते हैं तकरीबन तो ट्वेल्व एंटलर्स होते हैं ये स्नैक है और ये क्राउल करता है रेंगता है अंडरस्टूड दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस एनिमल्स कैन यू टेल नेमस एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई एनिमल्स दैट लीव इन वाटर ऐसे एनिमल्स जो उड़ते हैं आसमान में बर्ड्स लाइक ईगल पैरट्स पीजन्स स्पैरोस दीज बर्ड्स दे कैन फ्लाई इन द स्काई और एनिमल्स दैट लीव इन वाटर फिशेस क्रोकोडाइल एंड फ्रॉक्स ये जो एनिमल्स हैं ये पानी में रहते हैं एनिमल्स डेट आर ब्लैक लाइक क्रो बफेलो एनीमल्स डेट हैव मैनी कलर्स बहुत सारे कलर्स वाले एनिमल है लाइक पिकॉक पिकॉक हैज मैनी कलर्स है ना और पैरट्स वेरी लार्ज एनिमल्स अभी हमने देखा लार्ज एनिमल्स एलिफेंट हॉर्स जिराफ वेरी टाइनी एनिमल्स बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स वो है एंट्स बग बीस हाउस फ्लाई तो इस तरह से ये जो एनिमल्स है इस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं वेयर विल यू फाइंड अस आपको हम कहाँ मिलेंगे या आप हमें कहाँ ढूंढ सकते हैं एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई ईगल क्या होता है स्काई में एकदम हाई उड़ता है अ काव वॉक्स ऑन द ग्राउंड और काव ग्राउंड पे चलती है फिश स्विम इन वाटर और फिश वाटर में तैरती है वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स हम डिफरेंट कलर्स के हैं यानी कि आपने देखा होगा कि एनिमल्स कैसे होते हैं डिफरेंट कलर्स के द ईगर्ट इज वाइट दिस इज ईगर्ट एंड इट इज वाइट ईगर्ट कैसा है वाइट है द क्रो इज ब्लैक आपने क्रो देखा होगा क्रो कैसा होता है ब्लैक द बफेलो टू इज ब्लैक बफेलो भी कैसी है ब्लैक है बट द पीकॉक हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्स पीकॉक को बहुत सारे कलर्स होते हैं we may big we may be small हम big भी हो सकते हैं और small भी the horse and the block are large in size horse और block कैसे होते हैं large होते हैं size में the goat and the dog are of medium size और do, dogs और goats कैसे होती है medium in size the mouse and the squirrel are small माउस स्क्विरल कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर टिल और कॉकरोच एंट्स अर्थवर्म्स कैसे होते हैं और भी ज्यादा स्मॉलर होते हैं gnats एंड ants are very tiny indeed और उसके बावजूद जो gnats और ants होते हैं वो और भी ज्यादा बहुत ही टाइनी होते हैं कैन नेक्स्ट है कैन यू टेल विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट कौन से एनिमल्स बहुत फास्ट रन कर सकते हैं डियर चीता हॉर्स रन वेरी फास्ट विच एनिमल्स मूव वेरी स्लो कौन से एनिमल्स बहुत स्लो मूव करते हैं स्नेल टोटोइस मूव वेरी स्लोली अदरवाइज द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्की इट्स लेग्स आर हैवी द एलीफेंट्स कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड तो एलिफेंट्स की बॉडी कैसी होती है बल्की होती है और उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं बहुत ही वज़नी होते हैं इसलिए एलिफेंट्स ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते अंडरस्टूड नेक्स्ट है द डियर दिस इज डियर द डियर हैज थिन लेग्स अब देखिए डियर की लेग्स कैसी है थिन है पतली है इट रन्स वेरी फास्ट वो बहुत ही तेज दौड़ता है और फ्रॉग्स हिंड लैग्स आर लॉन्ग उसकी जो पीछे की जो लेग्स है वो कैसी है लोंग है सो इट कैन ईजिली होप जम्प एंड लीप इससे वो इजिली हॉप करता है जम्प करता है एंडरस्टूड कैन यू टेल वाई डू वी कीप काउस क्या आप बता सकते हैं कि हम काउस क्यों पालते हैं बिकॉज वी गेट मिल्क स्किन एंड मीट फ्रॉम द काउस हमें काउस से मिल्क मिलता है दूध मिलता है उसके स्कीन मिलती है चमड़ा मिलता है और हमें गोश्त मिलता है नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस और कौन से एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल हैं तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स हॉर्स बफेलोस एंड मैनी मोर एनिमल्स वाई डू वी नाट लाइक इट इफ़ देर आर माइज़ और बेडब इन अवर हाउस अगर हमारे घर में बेडब्स या माउज हो जाते हैं चूहे हो जाते हैं तो हम उन्हें पसंद क्यों नहीं करते खटमल बैडबग्स मीन्स खटमल और माइज मीन्स चूहे बिकॉज दे डिस्ट्रॉय अवर थिंग्स जो माइज़ होते हैं वो हमारी चीज़ें बर्बाद करते हैं और बैडबर्गस क्या करते हैं दे सक अवर ब्लड वो हमारा खून चूसते हैं इसलिए हम उन्हें बिल्कुल खत ही पसंद नहीं करते यू फाइंड अस यूजफुल आपके हम काम आते हैं पीपल लव टू कीप एनिमल्स लोग एनिमल्स को पालना पसंद करते हैं द डॉग गार्ड्स अवर हाउस डॉग्स क्या करते हैं हमारे घर की रखवाली करते हैं पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू और लोग बिल्लियाँ भी पालना पसंद करते हैं काउज बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क काउ से बफेलो से और गोट से हमें क्या मिलता है दूध मिलता है मिल्क मिलता है सम पीपल कीप हैंस वी गेट मीट मिल्क एंड एग्स फ्राम एनिमल्स तो हमें एनीमल से मिल्क मिलता है एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है ब्लॉक्स हेल्प विथ फॉर्म वर्क और जो बैल होते हैं वो खेतों में काम के लिए यूजफुल होते हैं हिचेट टू अकार दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स टू हॉर्सेस एंड डॉकीस टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स और हॉर्सेस और डॉकीस किस लिए काम आते हैं बर्डन्स को कैरी करने के लिए वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप वी फीड दैम हम उनकी देखभाल करते हैं उनको खिलाते हैं वी टेक केयर ऑफ देम वैन दे आर इल और जब वो बीमार हो जाते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस जब हम किसी एनिमल को पालते हैं तो वो हमारे हमें उससे बहुत ही हमारे वो प्यारे बन जाते हैं हमें उनसे एक लगाव हो जाता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए दिस इज़ बफेलो और क्या कर रहे हैं उसका दूध निकाल रहे हैं यहाँ पर देखिए डंकीज और हॉर्सेस क्या करते हैं बर्डन्स उठाते हैं और यहाँ देखिए ब्लॉक क्या कर रहे हैं फील्ड में यहाँ पर हल चला रहे हैं इस तरह जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं नेक्स्ट है वी द गेट क्रेशर्स हम क्या है नुकसान करते हैं सम एनिमल्स इंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वॉन्ट दैम कुछ कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं हमारे घरों में घुस जाते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते माइज एंड रेड्स डिस्ट्रॉय स्टोर ग्रेन माइज रेड्स क्या करते हैं जो हमारे अनाज जो हम स्टोर करके रखते हैं, उसको वो बर्बाद कर देते हैं बिसाइड नेविंग अदर थिंग्स इन द हाउस समटाइम्स वी फाइंड बेडबग्स इन अवर हाउस दिसवर ब्लड बेडबग्स हमारा खून चूसते हैं स्पाइडर्स मेक कावेब्स इन द हाउस और स्पाइडर्स क्या करते हैं हाउस में कावेब्स बनाते हैं मॉस्किटोज फ्लाइज गेंट्स एंड कॉकरोचेस आर न्यूजेंस टू इवन सो दिस ट्रबलसम एनिमल टू हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन नेचर ये देखिए दिस इज मॉस्किटो लेकिन इन एनिमल्स की भी नेचर में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इनको कुदरत ने ऐसे ही नहीं बनाया इनकी भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है अंडरस्टूड वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड us कैन बी grouped इन डिफरेंट ways. वी फॉर्म दिस ग्रुप यूजिंग our everyday observation. हमने ये देखा कि एनिमल्स को ग्रुप किया गया है तरीक़ों से और हमने उनको ग्रुप किस तरह से किया है हमारा जो रोज़ का जो ऑब्जर्वेशन है उस उस बिना पर हाउ एवर साइंटिस्ट क्लासिफाई एनिमल्स दे लुक एट मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स लेट एस सी हाउ दे डू इट जो साइंटिस्ट होते हैं वो एनिमल्स को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर क्लासीफाई करते हैं चलिए देखते हैं कि उन्हें वो लोग किस तरह से करते हैं वि सकल हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जैसे कि व्हाट इज़ दिस

नेक्स्ट है दीज एनिमल्स हैव फोर लेग्स तो इनके कितने पैर होते हैं फोर दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स और याद रखिए इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं और इनके ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं यानी कि इनके बाहरी कान होते हैं और इनकी बॉडी पर बाल होते हैं और इनके जो कान होते हैं वो बाहर की जानिब होते हैं एक्सटर्नल एयर डिस्टूड ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है वी फ्लाई बर्ड्स हैव ओनली टू लेग्स दे हैव टू विंग्स टू फ्लाई विथ देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फैदर्स बर्ड्स को कितने लेग्स होते हैं दो लेग होते हैं दिस इज दिस इज एन ईगल इट हैज टू लेग्स दे हैव टू विंग्स और इनके दो विंग्स होते हैं इसलिए उड़ने के लिए देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स इनकी बॉडी फैदर्स से कवर होती है देयर आर डिफरेंस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स द ईगल कैन शोर हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इनकी जो फ्लाइंग एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है जैसे कि ईगल बहुत ऊंचा आसमान में उड़ सकता है और बहुत देर तक वहाँ पर ठहर भी सकता है बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई देखिए यहाँ पर कॉक उड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या ये ज्यादा ऊंचा आसमान में उड़ सकता है नहीं एंड कम्स डाउन सून टू और बहुत जल्दी नीचे आ जाता है एंड नेक्स्ट है वी लीव इन वाटर हम पानी में रहते हैं हम मीन्स कौन फिश सो डियर स्टूडेंट्स देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश दे लीव इन दाटर फिश हैव फिन्स दे यूज देअर फिन टू मूव इन वाटर देयर आर स्केल्स ऑन अ फिश बॉडी तो आपको पता होगा कि बहुत सारी किस्मों के फिश है है ना देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश और ये कहाँ रहते हैं इन वाटर फिश है फिन्स फिश को क्या होते हैं फिन्स होते हैं ये जो है ये फिन्स है फिश के ये और ये इसके जरिए वो पानी में तैरते हैं और उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा यह स्केल्स अंडरस्टूड यह है दिस इज द आई और यह है गिल्स तो फिश किस तरह से ब्रीथ करते हैं उनकी गिल्स से डू यू नो A fish has gills behind its eyes. Fish use their gills to breathe in water. आपने देखा होगा कि फिश के यहाँ पर उसकी आइज के नीचे इधर से कट जैसा दिखता है तो वो होती है गिल्स जिससे वो ब्रीथ करते हैं अंडरस्टूड नेक्स्ट है वी क्रीप एंड क्राउल मीन्स क्राउल मीन्स रेंगना चैम्बलि हाउस लिजार्ट एंड स्नैक्स आर एनिमल्स दैट क्राउल दे हैव स्केल्स ऑन देअर बॉडीज जो चैम्बलिनस होते हैं हाउस लिजार्टस होते हैं चिककलियाँ स्नैक्स ये क्या करते हैं क्राउल करते हैं रेंगते हैं और इनकी बॉडी पे भी क्या होते हैं स्केल्स होते हैं जैसे कि आपने स्नैक की बॉडी पर स्केल्स देखा होगा चैम्बलिनस एंड हाउस लिजार्ट हैव फोर लेग्स बट दीज लैग्स आर वेरी शॉर्ट अब देखिए चैम्बलिन को और हाउस डिजार्ट को कितने लेग्स होते हैं फोर लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं जो उनके चलने के काम नहीं आते तो वो आगे आगे उनसे सरकते हैं रेंगते हैं द स्नैक डज नॉट हैव एनी लेग एट ऑल और स्नैक को कोई लेग होता है क्या नहीं द स्नैक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल अंडरस्टूड नेक्स्ट है वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स हमें इंसेक्ट्स कहते हैं देखिए इधर देर आर मैनी बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई बटरफ्लाइज हैव विंग्स आपने देखा होगा बटरफ्लाइज को क्या होता है विंग्स होते हैं कलरफुल विंग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बटरफ्लाई उनको विंग्स होते हैं बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स लेकिन ये बर्ड्स होते हैं क्या नहीं इनके विंग्स होते हैं पर होते हैं लेकिन ये ये जो है बर्ड्स नहीं है दे आर इंसेक्ट्स तो बटरफ्लाईज क्या है इंसेक्ट्स है दे आर स्मॉलर दैन बर्ड्स ये बर्ड्स से छोटे होते हैं अंडरस्टूड दे हैव सिक्स लैक्स बटरफ्लाइज को कितने लैक्स होते हैं सिक्स लैक्स रिमेंबर दिस पॉइंट एनिमल्स विच हैव सिक्स लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स जिस भी एनीमल को सिक्स लेग होते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्ट्स सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स मॉस्किटो हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट्स टू और उसके साथ साथ जो मॉस्कीटोज़ हैं मच्छर हाउस फ्लाइज यानी मक्खियाँ और काक्रोचेज क्या है इंसेक्ट्स है अंडरस्टूड

बैड्स आर नॉट बर्ड्स लाइक द क्रो स्पैरो पैरट एंड कॉक दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द काओ टाइगर डियर एंड माउस तो इनको बर्ड के ग्रुप में नहीं डाला गया है जैसे कि पैरट कॉक स्पैरो है इन्हें किसके ग्रुप में डाला गया है काओ टाइगर डियर माउस कैट जो जो एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसमें डाला गया इनको उस ग्रुप में डाला गया अंडरस्टूड तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि बहुत सारे लोग बैट्स को बर्ड समझते हैं लेकिन यह बर्ड नहीं है अंडरस्टूड ये बर्ड नहीं है लुक हियर यूज योर ब्रेन पावर इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू पुट द आउल द मोनिटर लिजार्ट गोरपड़ एंड द कैट अब आप जो है आउल और मॉनिटर लिजार्ड जिसको घोरपड़ कहते हैं हिंदी में और कैट इसको कौन से ग्रुप में डालेंगे यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं फर्स्ट ग्रुप है काओ डॉग एंड गोट वी सक्कल अवर यंग तो ये जो हैं काओ डॉग एंड गोट ये क्या करते हैं अपने जो बेबी है उसको क्या करते हैं दूध पिलाते हैं तो ये ग्रुप में कौन आएगा आउल आएगा क्या द मॉनिटर लिजार्ट आएगा या कैट तो इस ग्रुप में आएगी कैट अंडरस्टूड, सेकंड है क्रो स्पैरो पैरट एंड कॉक वी फ्लाई तो आउल भी एक बर्ड है तो इसमें आएगा आउल थर्ड है चैम्बलिन लिजार्ड एंड स्नैक वी क्राउल रेंगने वाले उसमें आएगा मॉनिटर लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड यहाँ आप लिख लेना मॉनिटर लिजार्ड या घोर फड़ बोलते जिसको अंडरस्टूड इस तरह से आपको लिखना है दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी आर फेमिलियर विद बट देर आर मैनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड ये जो थोड़े से एनिमल्स हैं जिसको हम जानते लेकिन दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स है देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कलर्स शेप्स एंड साइज ऑफ एनिमल्स देर आर डिफरेंसेस इन द वेज दे मूव एंड द प्लेसेस दे लिवस इन और उनकी जो साइज है उनके कलर्स है और उन जो वो जिस जगह पर रहते इस सब में बहुत सारे डिफरेंसेस है और उनके मूवमेंट में भी डिफरेंसेस है दिस डिफरेंसेस दैट वी सी अमंग एनिमल्स गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ वराइटी इन एनिमल्स द नंबर ऑफ एनिमल दैट लिव इन द सी इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज देयर इज़ ग्रेट वरायटी अमॉन्ग दैम टू आपने जो सी एनिमल्स है वो भी देखे होंगे तो उसमें भी बहुत वैरायटी है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं सी एनिमल्स इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल सच एनिमल्स डू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम व्हेन यू आर ओल्डर तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना मालूम हासिल करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब आप थोड़े बड़े होंगे तो और भी ज़्यादा उनके बारे में जानिए और मालूम हासिल कीजिए वाट वी हैव लर्न तो आज हमने क्या पढ़ा डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर ऑन द ग्राउंड एंड इन वाटर डिफरेंट एनिमल्स होते हैं एयर में ग्राउंड में और वाटर में देयर आर डिफरेंसेज इन द कलर्स शेप्स एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इन द वेज दे मूव इनके एनिमल्स के कलर्स में शेप्स में साइज में और इनके मूव में जो है डिफरेंसेस होते है वी फाइंड सम एनीमल्स यूजफुल विक कीप सच एनिमल्स कुछ एनिमल्स यूजफुल होते हैं जिसे हम पालते हैं सम एनिमल्स आर न्यूज़ेंस फॉर अस कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते नुकसानदेह होते जिसे हम नहीं पालते साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिस्ट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर उसको एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी चैनल पर मौजूद है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए और क्वेश्चंस आंसर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए ऑलवेज़ रिमेंबर वैरायटी इज़ द रूल इन नेचर वैरायटी क्या है नेचर का एक रूल है मतलब वैरायटी यानी कि अलग अलग में अंडरस्टूड तो इस लेसन की क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर मौजूद है आप पूरे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फाइव हंड्रेड सब्सक्राइब की ज़रूरत है अभी फ़ोर हंड्रेड ट्वेंटी सब्सक्राइबर हो गए हैं ट्वेंटी फाइव सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग